नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। सुजाल, उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना के कारण यूजी और पीजी प्रथम वर्ष के ऑनलाइन प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। यह प्रक्रिया आज यानी 5 अगस्त से शुरू होगी। अब हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की मार्कशीट का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। छात्रों को कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रवेश शुल्क भी एक साथ जमा नहीं करना होगा। प्रवेश के समय 50% फीस ऑनलाइन जमा कराना होगी। इसके बाद 2 किस्तों में जमा होगी। जवाहरलाल स्नातकोत्तर कॉलेज के प्रवेश प्रक्रिया प्रभारी डॉक्टर डी के त्यागी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रवेश की नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें छात्रों का डेटा एमपी ऑनलाइन पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापित करा लिया जाएगा। छात्रों को कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीयन के बाद ऐसे छात्र जिनका पंजीयन फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित नहीं हुआ है, किसी भी शासकीय कॉलेज में जाकर सत्यापित करा सकेंगे। छात्रों को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, एनएसएस या एनसीसी का प्रमाण पत्र सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। डॉक्टर त्यागी ने आगे बताया कि इस बार कॉलेज में स्नातक के बीए प्रथम वर्ष में 710 सीट रखी गई हैं, बीकॉम प्रथम वर्ष में 300, बीएससी में 600, जबकि बीबीए में 100, एलएलबी में 100, स्नातकोत्तर में 450 लगभग सीटें शासन के निर्देशानुसार रखी गई हैं। विद्यार्थियों को पंजीयन के लिए मूल दस्तावेज लेकर कियोस्क सेंटर जाना होगा। विद्यार्थी जिस संकाय में प्रवेश चाहता है उसके लिए ऑनलाइन पंजीयन कराकर प्रिंट निकालना होगा। मूल दस्तावेज के आधार पर कियोस्क सेंटर सत्यापन का कार्य करेगा, जिसका प्रिंट आवेदक को लेना होगा। विभाग ने नई गाइडलाइन क्या जारी की है सर? उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन प्रवेश के लिए 5 अगस्त से समय सारणी जारी की है, जिसमें अधिकांश बच्चों को का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। केवल वही बच्चे हेल्प सेंटर पर कॉन्टेक्ट करेंगे जिनको किसी प्रकार का अधिभार लेना है। अधिभार से मतलब एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स वगैरह का उनके पास कोई प्रमाण पत्र है और उसको वो मेरिट के लिए जोड़ना चाहते हैं, तो उसको उनको यहाँ के केंद्र पे, हेल्थ सेंटर पे वेरीफाई कराना पड़ेगा जी। इसके अलावा सभी को ऑनलाइन प्रवेश स्वीकृत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बच्चे को महाविद्यालय आने की जरूरत नहीं है, उसकी फीस भी ऑनलाइन जमा हो जाएगी। और उच्च शिक्षा विभाग ने पहली बार प्रावधान किया है के बच्चे की आधी फीस, मतलब यानी जितनी फीस उसकी लगनी है उसकी आधी फीस ऑनलाइन जमा हो जाएगी, बाकी की बची फीस 2 किस्तों में बाद में जब उसको एक्चुअल महाविद्यालय में उपस्थित होने का अवसर मिलेगा तब जमा होगी। खबर समय जगत के लिए सुजालपुर से गोविंद जाधव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।